दोस्तों एक नई वीडियो के साथ फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जाकिर यूट्यूबर में। आज इस वीडियो में हम आपको फास्टवे केबल की एक अपडेट बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक की जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए। साथ में चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों फास्टवे केबल ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक चैनल को ऐड किया है और साथ में ही एक चैनल को शिफ्ट भी कर दिया है। यहाँ पर आप एक्सक्लूसिव इमेज देख सकते हैं, तो इस चैनल को ऐड किया गया है। उस चैनल का नाम रहने वाला है टाइम्स नाउ नव भारत, जिसे आप देखेंगे 187 एलसीएन पर, जो कि काफ़ी दिनों बाद इसे ऐड किया गया है। लगभग मेरे ख्याल से 26 दिन के बाद या 25 दिन के बाद फास्टवे केबल पर ऐड किया गया है। आप लगभग सारे एमएसओ के प्लेटफॉर्म पर आप इस चैनल को देख सकते हैं, टाइम्स नाउ नव भारत को, जहां पर मैंने आपको हैथवे की अपडेट दिया था, 7 स्टार की अपडेट दिया था, इन डिजिटल की अपडेट दिया था। इस चैनल को इतने एमएसओ ने अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड किया था। तो फाइनली आप फास्टवे केबल के नेटवर्क पर भी आप इसे देख सकते हैं, जिसे मैं यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव इमेज भी दिखा रहा हूँ। और इस चैनल को ऐड करने की वजह से एक चैनल को शिफ्ट किया गया है और वो है चैनल एनडीटीवी इंडिया को। एनडीटीवी इंडिया को अब आप देख पाएंगे 189 एलसीएन पर, पहले आप इसे देखते थे 187 पर, अब 187 पर आप टाइम्स नाउ नव भारत देखेंगे, वहीं पर ही एनडीटीवी इंडिया को आप देख पाएंगे 189 एलसीएन पर। तो ये एक अपडेट थी फास्टवे केबल की। आई होप कि ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाकी इस चैनल को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। साथ में इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक ऐसी ही अपडेट के साथ।